नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि मेरे पास एक भाई साहब का कमेंट आया था। इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, भाई हमने 4 किलो बूंदी दाना बनाना है, कितनी गैस लग जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं 4 किलो बूंदी दाने में कितनी गैस लगेगी, या फिर 1 किलो चीनी में कितनी गैस लगने वाली है। इससे जो आज की आपने वीडियो देखी है, गैस के मामले में आप किसी से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेना। मान लेते हैं भाई, हमने औसत निकालनी होगी 4 किलो बेसन के अनुसार, भाई बूंदी कितनी बनती है। मान लीजिए 1 किलो बेसन के अंदर लगभग 4.5 से 5 किलो बूंदी दाना बन के रेडी हो जाता है। 1 किलो बेसन के अंदर लगभग 2.5 किलो चीनी लगती है, और हमने औसत निकालनी 4 किलो बूंदी दाने की। 4 किलो बूंदी दाने के अंदर मैक्सिमम 2 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट होगी। 2 किलो यदि हम चीनी डाल लेते हैं तो 4 किलो बूंदी लगभग बन जाएगी। इसके अलावा हमने जानना ये है गैस कितने लगेगी। अब हमने जो 4 किलो चीनी ली है, 2 किलो चीनी ली है 4 किलो बूंदी दाने के लिए, 2 किलो चीनी ली है, उसके अंदर हमने गुणा करना है 2 गुणा 12। क्यों 11? तो हम इसलिए करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि लंबी चीज, यानी कि ज्यादा बूंदी बनाने के लिए, ठीक है। और थोड़ी यानी कि 1.5% हम बढ़ा देंगे, यानी कि 11 लिया वहां पर हम 12 करेंगे, यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में हम माल बनाएंगे तब। अब हमने 2-3 किलो माल ले चीनी की बूंदी बनानी है, तो वहां पर हम 12 गुना करेंगे चीनी से। अब जो हमने 2 किलो चीनी ली है, वहां पर 2 गुना में 12 किया, तो हमारा उत्तर आया लगभग 24 से 25 रुपये हमारा गैस का खर्चा रहेगा 4 किलो बूंदी दाना बनाने के लिए। वो हमने कैसे निकाला है, जैसे कि हम ब्याह शादी के अंदर 11 कैसे निकाला है, हमने 11 और 12 का उत्तर। एक शादी के अंदर यदि हम बूंदी दाना या फिर लड्डू बनाते हैं, एक गैस सिलेंडर के अंदर एक चीनी के लड्डू, एक चीनी की बोरी के लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं, या फिर एक सिलेंडर के अंदर एक बोरी चीनी की बूंदी बन के रेडी हो जाती है लगभग। अब मैंने 11 क्यों लगाया है, 11 इसलिए लगाया है जो कि 1100 रुपये गैस का रेट है, यानी कि प्राइस चल रहा है। जिस टाइम पर आपका प्राइस अलग होगा, वहां पर अलग लगा लेना। अब हमने जो 1100 रुपये का गैस सिलेंडर लिया था, वहां पर 1 कुंटल चीनी को हम भाग में कर लेते हैं, 1100 भाग में 1 कुंटल चीनी की है, तो हमारा उत्तर आया 11, यानी कि 1 किलो चीनी पर हमारा खर्चा रहेगा 11 रुपया। अब जो आपके पास सिलेंडर, मान लीजिए किसी टाइम पर आप वीडियो देख रहे हो हमारी, उस टाइम पर 800 रुपये का सिलेंडर है, 700 रुपये का सिलेंडर है, जितना भी सिलेंडर का प्राइस है वो कैलकुलेट कर लेना चीनी से। 1 कुंटल चीनी गुणा में हमने 800 कर दिया, 800 भाग में 1 कुंटल, ठीक है, लगभग 8 रुपये हमारा गैस खर्चा रहेगा 800 रुपये का गैस सिलेंडर है तो। जितना मान लीजिए गैस सिलेंडर रहेगा, 900 रुपये का गैस सिलेंडर है तो 9 रुपये गैस खर्चा रहेगा। वैसे ही आप औसत निकाल सकते हो, सीधी सी बात है भाई, 900 रुपये का गैस सिलेंडर है और 1 किलो चीनी का 9 रुपये खर्चा है। आप इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। गुजारिश करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।